हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों पुलिस विभाग में कई सारे पोस्ट होते हैं जिसमें से एक पोस्ट होता है एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर का। दोस्तों एक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि थाना प्रभारी जो होते हैं वो पूरे स्टेशन के यानी कि जो भी पुलिस स्टेशन होता है एक उसके हेड होते हैं, यानी कि जो भी पुलिस स्टेशन में कार्य होते हैं उसकी देख रेख करना इनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि चल के वे एक एसएचओ बने। दोस्तों ऐसे में उनके मन में कभी ना कभी सवाल जरूर आता है कि एक एसएचओ की मंथली सैलरी कितनी होती है और एक एसएचओ कैसे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में एसएचओ के बारे में बताने वाले हैं कि एसएचओ कैसे बनते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भी थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक एसएचओ बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन भी आप बी ए बी एस सी बी कॉम कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क भी होना चाहिए। यह सारी योग्यता आपके पास होनी चाहिए एक एसएचओ बनने के लिए। अब आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं यानी कि 12th से लेकर एक एसएचओ यानी कि थाना प्रभारी बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक थाना प्रभारी यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट हो सकता है। इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद आपको हम आइए बताते हैं जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है कि आप एसएचओ डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। दोस्तों एसएचओ अगर आप बनना चाहते हैं तो आप प्रमोशन के जरिए ही बन सकती हैं। दोस्तों आप दो तरह से एसएचओ बन सकते हैं। पहला है आप कॉन्स्टेबल बन जाइए। कांस्टेबल के समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें आपको आवेदन करना होता है। कांस्टेबल के बाद आपको प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद आपको ईएसआई, इसके बाद एसआई बनाया जाता है। जब एसआई का प्रमोशन होता है इसके बाद आपको एसएचओ बना दिया जाता है। इस प्रोसेस में आपको लगभग 25 से 30 साल या फिर उससे भी अधिक आपको समय लग जाता है। अगर हम बात करें अगर आप कम समय में एक थाना प्रभारी स्टेशन हाउस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एसआई की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों जब ये वैकेंसी आती है तो उसमें आवेदन करना होता है। इसके रिटन एग्जाम की ट्रेनिंग वगैरह को आपको पूरा करना होता है। इसके बाद आप एक एसआई बन जाते हैं और एसआई के पद पर आपको लगभग 4 से 5 साल के कार्य करने के बाद आपको प्रमोशन करके एसएचओ बना दिया जाता है। तो अगर आप भी कम समय में एक एसएचओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एसआई बन जाए, इसके बाद प्रमोशन करके आपको एसआई बना दिया जाता है। तो ये जानकारी है कि एसएचओ आप कैसे बने। अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक एसआई बन जाने के बाद हमें मंथली सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक एसआई एसएचओ की स्टार्टिंग सैलरी की तो एक एसएचओ की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो लगभग 45 से 60 हज़ार रुपये के बीच में इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। दोस्तों जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ कैसे बने और इनकी सैलरी कितनी होती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।